हेलो 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 गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू हेलो 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 बेटा आवाज आ रही है क्या आई एम ऑडिबल आई एम ऑडिबल गुड आफ्टरनून ऑल ऑल अरे अरे आवाज आ रही है ना खुश रहो बेटा खुश रहो खुश रहो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ठीक है तो बेटा आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर सिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज इनवर्टिव रेट पूरा फिनिश कर देंगे एक बार रिवाइज भी कर लेंगे पूरा इनवर्टिव रेट और वर्टिवरेट आज हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है मतलब कॉडेटा वाला पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम वर्टिवेटा पढ़ेंगे डिटेल में आज क्लासिफिकेशन पूरा करा दूंगा मैं ठीक है यानी आने आ, आगे आने वाली मान लो दो क्लास हाँ यानी नेक्स्ट वीक बिल्कुल ये खत्म हो जाना चाहिए आगे आने वाली दो क्लास मतलब नेक्स्ट वीक आपका एनिमल किंगडम फिनिश है ठीक है क्या हो गया वीटी सर का जुड़वा कहां से आ गया चलो कर दे स्टार्ट चलो आ जाओ गुड आफ्टरनून ठीक है वापस आ जाओ ठीक है वापस आ जाओ सारे के सारे ठीक है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं समझना अच्छा कंपाइल तब कराऊं पहला पूरा करा दूं एक बार ये दो फाइल बची इनको करा करके फिर मैं एक साथ कंपाइल करूंगा ठीक है और तैयार हो जाना सारे के सारे ठीक है एक साथ कंपाइल करेंगे और एक साथ जब कंपाइल करेंगे तो एक एक करेक्टर को उठाते हुए चलेंगे और इसका आपको एक चार्ट बनाना है सभी को उस कंपाइल स्टडी का ठीक है और चार्ट बना करके जहां रूम में पढ़ते हो वहां लगा लेना ये सारा इनवर्टिवरेट और सारा वर्टिवरेट एम फिंगर टिप्स पर होगा ठीक है चलो तो आज का टारगेट देख लो क्या क्या है इकाइनो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हेमी है और कॉडेटा में स्टार्ट कर देंगे आज ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इकाइनो डर इकाइनस माने क्या होता है पता है इकाइनस इकाइनस मतलब होता है स्पाइनी समझना मेरी बात एकाइनस टर्म कहीं पर भी आ जाए एकाइनस टर्म कहीं पर भी आ जाए एकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी स्पाइनी का मतलब होता है जैसे इसमें स्पिक्यूल्स होते हैं या समझो कांटे कांटे नुमा ठीक है स्पाइनी स्पाइन हाँ गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून ठीक है हाँ स्पाइनी स्पाइनी मतलब कांटे ठीक है हाँ तो इकाइनस डर्मा डर्मा मतलब स्किन की बात चल रही है ऐसे एनिमल जिनकी स्किन या जिनका आउटर लेयर स्पाइनस कह सकते हो कि हाँ स्पाइनस हो समझ कांटे नुमा हो उसको हम एकटा बोलते हैं ठीक है स्पाइनी बॉडी कह सकते हो ठीक है तो इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी एक टर्म कई बार भी आता है खाइनो मतलब स्पाइनी डर्मा मतलब स्किन या बॉडी डर्मा, स्किन या बॉडी ऐसे एनिमल जिनकी स्किन या समझ रहे हो बॉडी इकाइनस है इकाइनस है तो उसको हम इकाइनो डरमेटा बोलते हैं दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन, इनके अंदर भी एंडोस्केलेटन होता है जो कैलकेरियस है Endoskeleton कैसा होगा? मतलब के मिलने से बनता है। है, है? हमारा भी ठीक रियस ऑसिकल ऑसिकल का मतलब ऐसा होता है। और समझना नेम इकाइनोडरमा स्पाइनी बॉडी बस दो बातें ध्यान रखनी है इकाइनोडरमेटा ऐसे एनिमल जिनकी स्पाइनी बॉडी होती है जिनके स्पाइनी spiny... डर्मा होती है उनको हमने काइनो डरमेटा के अंदर रखा है पहले एक बार कराऊंगा दो फाइलम को फिर पूरा कंपाइल से लेकर के यहां तक पूरा रिविजन करूंगा कंपाइल करूंगा इसको ठीक है जिससे तो आपको याद हो जाए ठीक है एग्जाम्पल अगर याद नहीं हो रहे हैं अगर नहीं हो रहे हैं एक ए साइज का शीट लो ए फोर साइज की सीज के अंदर आप क्या बनाओ कॉलम बनाओ सारे फाइलम के कॉलम बनाओ हर कॉलम के अंदर उस फाइलम के एग्जाम्पल लिख दो ठीक है और अपने सामने लगा लो दो से तीन दिन में वो एकदम यहां यहां सेट हो जाएंगे ठीक है और एग्जाम्पल जो तुम भूलोगे वो दो ही एग्जाम्पल हैं जो तुम भूलोगे एक, एक भूलोगे और एक के एग्जांपल भूलोगे ठीक है तो इन दो के ही एग्जाम्पल पर आपको काम करना है बाद तो याद रहता है सिंपल है समझे हाँ स्किन ठीक है डर्मा इन कहते डरमा डर टर्म सुना डर्मा डरिस्ट डर्मा टर्म स्किन के लिए लगाते हैं ठीक है डीज एनिमल है समझ में आ गया ना इनके पास एंडोस्केलेटन होता है जो हमारी तरह कैल्केरियस होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट के मिलने से बनता है इसलिए कैल्केरियस है ठीक है ऑल आर मैरीन ठीक है विद ऑर्गन एक्सक्लूसिवली है कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है इसके अंदर किसकी तरह है? आप बोलोगे टीनोफोरा की तरह टीनोफोरा की तरह ऑल आर मरीन नो कोई ऐसा नहीं फ्रेश वाटर में मिलते हो अब ये बेसिक फीचर सबको पता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा पता है ठीक है रेडियल सिमेट्री होगी पर लार्वा के ध्यान रखना क्योंकि तो लार्वा टाइप नहीं होता शेप एडल्ट होता है लार्वा नहीं होता दे आर ट्रिप्लो प्लास्टिक आप जानते हो सीलोमेट है आप जानते हो पर कौन सी सीलोम बनी थी यहां से अब यहां से स्टार्ट होती है एन टैरोलोम एनटेरोम अब तक थी अब यहां से स्टार्ट होती है ये ध्यान रखना है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर कंप्लीट है इनकम्प्लीट है अब सब के अंदर कंप्लीट ही चल रहा है प्लेटी हेलमन तक इनकंप्लीट था एसके हेलमन से लेकर के कॉर्डिटा सबके अंदर कंप्लीट होता है माउथ भी होता है एन भी होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ कहां होता है जैसे मानो जी स्टारफिश है वेंट्रल साइड पर माउथ कहां होगा माउथ जो होगा वेंट्रल साइड पर होगा ऑलवेज लोअर या हमारी वेंट्रल है? है और अपोजिट वाली साइड को हम डोर्सल बोलते हैं ठीक है माउथ जिस साइड होगा वो वेंट्रल है उसका अपोजिट डोर्सल है ऑलवेज ठीक है तो इसका माउथ भी वेंट्रल साइड पर होगा एनस उसके दूसरी साइड में होगा उसको डोर्सल साइड बोलोगे ठीक है द एक्सक्रिटरी सिस्टम बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कौन सा फाइलम है जिसमें एक्सक्रिटरी सिस्टम होता ही नहीं है इकाइनोडरमेटा में एक्सक्रिटरी सिस्टम टोटली एबसेंट होता है ठीक है नाइट्रोजनस बेस्ड बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाते हैं कोई एक्सक्रिटरी सेल या सिस्टम इसके पास नहीं होता क्लियर है चलो द मोस्ट अब जैसे मैंने बताया था जब पॉरीफेरा पढ़ाया था तो पॉरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर क्या था पोरीफेरा का जो स्पेसिफिक फीचर था उसका था वाटर ठीक है केनाल सिस्टम यहां होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम समझना एक नाम दिया था मैंने वाटर केनाल और एक नाम दे रहा हूं वाटर वेस्कुलर यानी जहां पर वाटर एक्ट एज वेस्कुलर वेस्कुलर का मतलब होता है वाटर एक्ट एज वेस्कुलर समझते हो जैसे जैसे हमारा ब्लड है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें ब्लड हमारे डिफरेंट टाइप की चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ऐसे यहां पर वाटर इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है तो वॉटर एज वैस्कुलर सिस्टम ठीक है लाइक अ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम द मोस्ट डिस्टिंग ऑफ ये क्वेश्चन आता है वॉटर वेस्कुलर सिस्टम वॉटर वेस्कुलर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉटर वेस्कुलर सिस्टम ठीक है विच हेल्प इन जो किसमें हेल्प करता है लोकोमोशन में हेल्प करता है ठीक है ये कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में रेस्पायरेशन में हेल्प करता है और इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहूं तो एक्सक्रीशन में एंड एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है होता क्या है सर ये वॉटर वेस्को सिस्टम होता क्या है आप समझो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो अच्छा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका है ना अब ठीक है ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको है ना स्टारफिश को अंदर से देखो ना कुछ कुछ ऐसी नजर आएगी ऐसी जिसकी एक आम हो गई इस तरीके से स्टार के अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे अंदर कुछ ऐसा नजर आएगा ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो स्टारफिश को जब अंदर से देखोगे कुछ कुछ ऐसी नजर आएगी आपको ठीक है अंदर से इस तरीके से रिंग बनी होगी इस तरीके से हर आर्म के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होंगे ठीक है एक मैंने बना के दिखा दिया ये इसको अगर डायग्रामेटिकली बोलो ना चाहोगे तो इसको आप बोल दोगे यहाँ एक वॉल्व भी दिखा दोगे वॉल्व अरे अब क्वेश्चन आएगा वाटर कहां से एंटर करेगा अब देखो स्टारफिश कुछ ऐसे होगी वेंट्रल साइड पर तो माउथ होगा डोर्सल साइड पर एनस होगा और डोर्सल साइड पर ही इस तरीके से फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर इसको हम मेड्रीपोराइड बोलते हैं मेड्रीपोराइड इस मेड्री पोराइट से वाटर एंटर करता है मेड्री पोराइट से वाटर एंटर करता है फनल से होता हुआ ये कैनाल को बोलते हैं स्टोन कैनाल ये स्टोन कैनाल से होता हुआ होता हुआ पेंटागोनल रिंग कैनाल के अंदर वाटर जाता है और पेंटागोनल रिंग रिंग कैनाल से लेटरल कैनाल के अंदर वाटर जाता है समझ ना मेरी बात लेटरल कैनाल के अंदर समझ रहे ना पेंटागोनल रिंग कैनाल ठीक है फिर लेटरल कैनाल और उससे ये बने ट्यू एक नहीं है ये एक तो मैंने बना के दिखाया है समझ रहे हो एक तो मैंने बना के दिखाया है समझ रहे हो एक बना के दिखाया है ऐसे ढेरों सारे मेड ऐसे ढेरों सारे एम्पुला लगे होते हैं एम्पुला हो गया ट्यू फीट बोलेंगे इसको एक को ट्यू फुट और सारे के सारे ग्रुप को ट्यू फीट सिस्टम बोलते हैं समझना वाटर की एंट्री कहां से होगी सबसे पहला वाटर एंटर करेगा कहां पर मेड्रीपोराइट मेड्रीपोराइट मेंट्री पोराइट फिर वाटर का एंटर करेगा मेंट्री पोराइट के बाद स्टोन कैनाल फिर वाटर का एंटर कर, एंटर करेगा आप बोलोगे पेंटागोनल पेंटागोनल रिंग कैनाल पेंटागोनल रिंग कैनाल से होता हुआ ये दिख रहे ना आपको ये इस तरीके से इनको रेडियल कैनाल बोलोगे रेडियल रेडियल कैनाल यहीं दिखा दो इसको दिखा दो रेडियल कैनाल और रेडियल कैनाल से होता हुआ ये लेटरल कैनाल रे, रेडियल कैनाल के लेटरल साइड पर जो लगी है लेटरल कैनाल में जाएगा और लेटरल केनाल जुड़े होते हैं ट्यूब फुट से ठीक है इसका जो ऊपर फूला हुआ पार्ट एम्पोला होता है ये बीच वाले पार्ट को हम पोडियम बोलेंगे इसको सकर बोलेंगे और तीनों को मिलाकर के हम इसको बोलते हैं ट्यू फुट और ग्रुप ऑफ ट्यू फुट को बोलते हैं ट्यू फीट सिस्टम ग्रुप ऑफ ट्यू फूड को मिला दो तो उसको ट्यू फीट सिस्टम बोलते हैं ठीक है तो एक्चुअल में सारा खेल इसी का है ठीक है इसको ऑक्सीजन चाहिए तो इसी से लेता है ठीक है अब समझ रहे हर चीज में इसी का रोल है कैसे रोल है समझाता हूं अभी इसके अंदर ठीक है कैसे तो समझनी है वाटर की एंट्री कहाँ से होगी और कहाँ जाएगी सिक्वेंस समझनी है सबसे पहले वाटर एंटर करेगा किसके अंदर पोराइट के अंदर पोराइट से होता हुआ ये जाएगा किसके अंदर स्टोन केनाल के अंदर स्टोन केनाल से कहा जाएगा स्टोन केनाल से कहा जाएगा पेंटागोनल रिंग कैनाल पेंटागोनल एक दो तीन चार पांच रिंग बना रहे हैं। उससे जाएगा रेडियल कैनाल ये लगे हुए हैं रेडियल कैनाल रेडियल कैनाल से कहा जाएगा उसके साइड में लेटरल कैनाल लेटरल कैनाल किससे जुड़े होते हैं लेटरल कैनाल जुड़े होते हैं ट्यूब फुट से ट्यूब फुट से लेटर कैनाल किससे जुड़े हुए हैं ट्यूब फुट से समझ रहे हो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें एक वॉल्व लगा हुआ है इसको मत भूल जाना एक वॉल्व भी दिखा रखा है यहां पर वॉल्व ये वॉल्व है एक सिंगल वॉल्व है जो वाटर को जाने तो देगा भाई तुम जा सकते हो पर तुम वापस नहीं आ सकते एक बार पानी इसमें भर गया फिर रिवर्ट नहीं हो सकता कोई मतलब नहीं है रिवर्ट होने का ठीक है जैसे समझने की कोशिश करना अच्छा उसको एक एम्ब्यूलैक्ट्रल सिस्टम भी बोल देते एक नाम है अल्टरनेटिव याद रख लेना बाई चांस पूछ ले कोई वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलो या एमब्यूलैक्ट्रल सिस्टम बोलो एक ही बात है ठीक है अब समझो मेरी बात क्या होता है इसके अंदर जैसे मानो देखो वाटर आ तो सकता है यहां से चला जाएगा ये चला जाएगा पर ये रिटर्न नहीं होगा यहां से वापस नहीं जा पाएगा यहां से ठीक है क्रॉस नहीं कर पाएगा ये वॉल्व से जब पानी सब इसमें भर जाएगा कभी स्टारफिश फिश देखिए स्टारफिश नीचे देखोगे ना तो ऐसे ही ढेर सारे उसमें पोडियम चुपके हुए होते हैं चिपक जाती है कहीं पर भी ठीक है ठीक है लाइक ऑक्टोपस तो इस तरीके से होते हैं तो ये तो हो गया इसका एम्पुला ये इसका पोडियम हो गया ये शकर हो गया जैसे मानो कोई ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है कोई ठीक है इसको पकड़ना है तेजी से पानी कहा जाएगा इसके अंदर जाएगा ये फूल जाएगा फिर एम्पुला में कॉन्ट्रेक्शन होगा पानी बाहर तो जा नहीं सकता कॉन्ट्रेक्शन होते ही वाटर नीचे जाएगा नीचे जाएगा मतलब उसका पोडियम का साइज बढ़ जाएगा इसके पोडियम का साइज पहले से बढ़ जाएगा इसके पोडियम का साइज पहले से बढ़ जाएगा पोडियम धीरे से नीचे जाएगा यह पोडियम धीरे से नीचे जाएगा और चिपक जाएगा सकर चिपक जाएगा समझना वाटर तेजी से जो वाटर को फ्लो कराएगा अपने ट्यूब फुट के अंदर ट्यूब फुट है इसका एक ट्यूब फुट अपने टूट में वॉटर को एंटर कराएगा एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉटर बाहर तो जा नहीं सकता वॉल्व लगा हुआ है पर ठीक है सीधा वॉटर नीचे आएगा पोडियम की लेंथ लेंथ बढ़ जाएगी लेंथ बढ़ती सकर होंगे सकर चिपक जाएंगे तुरंत किसी फूड को होल्ड करना इसको है इसको इसने हाथ को लिया फूड को पकड़ लिया ठीक है और यहाँ तक कि इसकी जो आर्म्स होते हैं ना आर्म्स ये है इसके ऐसे ये आर्म्स होते हैं स्टारफिश में इसमें फोल्ड होते हैं ऐसे ऐसे फोल्ड ऐसे ऐसे फोल्ड इनको एम्ब्यूलैक्ट्रल ग्रुप्स बोलते हैं एम्ब्यूलैक्ट्रल ग्रुप्स इन फोल्ड की वजह से इसको एम्ब्यूलेक्ट्रल सिस्टम बोलते हैं जैसे मानो इसका ये नॉर्मल लेंथ है अगर मैं अपने हाथ के इन फोल्ड को खोल दूं समझना हाथ के इन फोल्ड को खोल दूं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा जैसे मानो जैसे मान लो ठीक है ये पड़ा हुआ है कपड़ा ही मान लेते हैं ठीक है मान लो ये कपड़ा है कोई ठीक है ये कपड़े की लेंथ इतनी ही है इतनी लेंथ है

तो सीधी सी बात है फोल्ड खुलने का मतलब है ग्रुप्स खुल जाते हैं जिसकी वजह से वो समझ रहे हो ना कभी कार्टून में देखा होगा ये, है, है? ये ग्रुप्स खुल जाएंगे और तेजी से वाटर कहां जाएगा इसके अंदर एम्पुला कॉन्ट्रेक्ट करेगा पोडियम की लेंथ बढ़ जाएगी और सकर चिपक जाएंगे किसी से भी ठीक है अगर इसको चलना होगा तो ऐसे पकड़ के आगे बढ़ेगी ऐसे पकड़ के आगे बढ़ेगी ऐसे पकड़ के आगे बढ़ेगी मतलब लोकोमोशन में हेल्प करेगी ठीक है समझ रहे हो अगर इसको फूड को पकड़ फूड को कैप्चर करना है तो फूड जा रहा है ना पकड़ के कैप्चर करेगी उठा के नीचे ला करके माउथ में डाल लेगी माउथ होता है है ठीक फूड को कैप्चर करने में ठीक है लोकोमोशन में और पानी तो अंदर जा ही रहा है ना तो वाटर अंदर जा रहा है तो वाटर में ऑक्सीजन भी होती है तो रेस्पायरेशन में और इसी के थ्रू एक्सक्रीटरी मेटेरियल डिफ्यूजन से बाहर निकल जाता है मतलब एक्सक्रीशन में भी पार्टिसिपेट करेगी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो कार्टून नहीं देखते बचपन से गायब हो गया क्या अभी नहीं देखते बचपन में तो देखते थे अभी मैं भी नहीं देखता पर बचपन में देखा हुआ कार्टून अभी भी याद है मुझे ठीक है उसमें दिखाते थे स्टार फिश दिखाते थे बड़ा अच्छा अच्छा बच्चों को वो चीज दिखाई जाती थी उस समय के कार्टून के अंदर ये चिंग चैंग नहीं आया था उससे पहले क्या था वो कौन सा आता है वो चिंग है क्या है बच्चा ठीक है उससे पहले कार्टून बड़े सभ्य तरीके से बनाए जाते थे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और ज्ञान देने के लिए अब बन रहे हैं ऊपर पटांग बच्चों को बर्बाद करने के लिए समझ रहे हो ना हाँ क्या कहते हैं उसको हाँ चिंचे, वो क्या था वो आता है ना एक और आता है वो दुष्ट बच्चा ठीक है हाँ जो भी तुम समझ रहे हो ना हाँ चलो मोटू पतलू इधर आ जाओ मोटू पतलू ठीक है तो सीधी सी बात है समझ में आया इसका कंसेप्ट क्या है किस तरीके से स्टार फिश काम करती है ठीक है तो अब सारा खेल इस कैनाल सिस्टम का ही तो है जो कैनाल कह के रहा हूं ये कैनाल बने हुए ना इसको पर कैनाल सिस्टम मत बोलना इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलना वाटर एक्ट वेस्कुलर सिस्टम क्योंकि ये वाटर क्या क्या काम कर रहा है लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है ये वाटर फूड को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है ठीक है ये वाटर रेस्परेशन में हेल्प कर रहा है ये वाटर एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है तो एक तरीके से ये सारे काम हमारा वेस्कुलर सिस्टम ही तो करता है तो वैस्कुलर सिस्टम की तरह वोटर काम कर रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम समझे या नहीं समझे हाँ चिंग चैंग छिंग जैन जो भी है ठीक है मोटू पतलू छिंग जैंग भी आ रही हैं ठीक है, है। सम, समझ समझ गया ना मेरी बात हाँ तो अब यहां आ जाओ यार बहुत हो गया मोटू पतलू इधर आ जाओ ठीक है चलो तो इस समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैं बताना चाह रहा हूं <ंग> आज के लिए इतने काले पी रहा हूं और एंटीबायोटिक पर हाँ बिना एंटीबायोटिक के मुझे लग नहीं है शहीद काड़ों से भी हो रहा है आराम मिल रहा है पर हर तरीके से अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर एंटीबायोटिक से भी गरारे से भी ठीक है हल्दी और नमक के किसी के भी दर्द हो रहा हो तो सबसे ज्यादा दर्द में जो रिलीफ मिला मुझे हल्दी और नमक के गरारे से गरारा करते ही दर्द में एकदम रिलीफ ठीक है एंटीबायोटिक अपना काम कर रही है गरारे अपना काम कर रहे हैं ठीक है और दालचीनी और क्या नाम है अदरक का काढ़ा अपना काम कर रहा है ठीक है ये फैल रहा है गले में भयंकर तरीके से इन्फेक्शन है ध्यान रखना हल्के में मत लेना उसको तुरंत दिखा लो डॉक्टर को नहीं तो एंटीबायोटिक और जो दो ने बता रहा हूँ उनको ले लेना नहीं तो मालना पड़ रहा है गला एकदम खतरनाक हो जाएगा <coughs> कफ नहीं गले में इन्फेक्शन था तगड़ा वाला कफ भी था हाँ यहाँ तो समझ में आया नहीं आया तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लेना इसको इस क्वेश्चन बनता है चलो आगे बढ़ रहा हूं सेक्स आर सेपरेटेड अब तो से, अब अब देखो जो भी मिलना है ना सबके अंदर मिलेगी मेल अलग होगा फीमेल तो यहां पर भी होगा ठीक है सेक्सुअल डाइमोरफिज मिलेगी सेक्स सेपरेट है ए सेक्चुअल यहां देखने को नहीं मिलता सेक्सुअल देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा डेवलपमेंट इनडायरेक्टो का क्योंकि बहुत सारे लार्वा देखने को मिलते हैं और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है इसका ठीक ठीक है सिंप है बहुत सिंपल ये चीजें हैं अब ये एग्जाम्पल आपको दो के एग्जाम्पल लिख लिख के याद करने पड़ेंगे है? दो चीजों के एक तो कल कराया था मॉलस का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एन एनिमल किंगडम और दूसरा मैं आज बता रहा हूं इकाइनो डरमेटा इनके फाइलम को आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं ठीक है ठीक है तो एक तो स्टारफिश एस टेरिया स्टारफिश दूसरा इकाइनस सी अर्चिन बोलते हैं को। अगर सी अर्चिन का स्ट्रक्चर देखोगे ना कुछ ऐसा होता है सी अर्चिन इस तरीके से कटीलेट टाइप के स्ट्रक्चर बनने के लिए होते हैं सी अर्चिन ठीक है एंटीडॉन सी लिली लिली का फ्लावर होता है ना कुछ ऐसा ही होता है सी लिली एंटीडोन सी लिली मानो लिली का फ्लावर सिसाइल होता है अटैच विथ सॉलिड सरफेस ठीक है सी लिली लिली के फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है खुखू मेरिया खुखू मेरिया लाइक अ कुकम्बर लाइक अ कुकम्बर खुखू मेरिया लाइक अ कुकम्बर सी कुकम्बर बोलते हैं ऑफ्यूरा ऑफ्यूरा ये भी सेम ऐसे ही होता है देखने में तो ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार बोलते हैं उसको ऑफ्यूरा को इतने एग्जांपल तो याद रखने पड़ेंगे ठीक है एस टेरिया स्टारफिश इखाइनस इखाइनस सी अर्चिन एंटीडोन सी लिली कुकुमेरिया सी कुकुम्बर कुकुम्बर जैसा होता है ऑफ्यूरा ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार तो ऑफ्यूरा और एस्टेरी Asteri, एस्टेरिया इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि इसके डायग्राम भी दे रखे हैं ठीक है एक तो डायग्राम दे रखा है इन्होंने इसका स्टार फिश का एस्टेरिया और एक नाम दे रखा ऑफ्यूरा

एक तो स्टार फिश और मिडिल स्टार ऑफ्यूरा तीन क्या क्या याद रखने एक खाइनस एंटीडोन और कुकुमेरिया कुकुमेरिया भी याद रहता है बच्चों को सी कुकुम्बर से तो एक खाइनस और एंटीडोन याद रखना है आपको एक खाइनस और एंटीटोन समझ रहे हो हाँ इखाइनस और एंटीडोन दो चीजें याद रखनी है आपको इखाइनस और एंटीडोन ठीक है ऑफ्यूरा आपको याद रहेगा ठीक है और ऑफ्यूरा और... हो गया और स्टारफिश आपको याद रहेगी ठीक है दो आपको याद रहेंगे अब इखाइनस याद रखना है आपको एंटीडोन याद रखना है और खुकुमेरिया, सी खुकम्बर तो ये एग्जाम्पल है बेटा समझ में आए नहीं आए यार लिख लिख के याद करने पड़ेंगे समझ रहे हो लिख लिख के हाँ तो ये तो होगी हमारी इखाइनोटरमेटा ध्यान रखना इसके अंदर क्या एबसेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम एबसेंट होता है चलो अब बात करते हैं हेमी हेमी मतलब आधे आदे आदे हेमी को डेटा पहले इनको कॉडेटा में रखा गया था सबसे पहले इनको कॉडेटा में ही रखा गया था बाद में देखा गया यार ट्रू कॉर्डेट नहीं है ला उनको उठा करके नॉन कॉर्डेट में रख देते हैं ठीक है तभी कहते हैं डेटा क्योंकि देखने में कॉडेट लगते हैं पर एक्चुअल में कॉर्डेट नहीं होते ठीक है ये एक तरीके से इनको टंग वॉम कह सकते हो टंग वॉम बोलते हैं इनको टंग वॉम भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोबोसिस ंग लाइग स्ट्रक्चर प्रोबोसिस यहां पर प्रेजेंट होता है इसी वजह से इसको टंग वॉर्म भी बोलते हैं टंग वॉर्म ठीक है बेसिक फीचर क्या है टंग वॉर्म के बेसिक तो कॉमन फीचर है हैबिटेट वही मरीन वाटर अब तो सब कॉमन है सिमिट्री आप खुद लिखोगे सिलोम आप खुद लिखोगे सेगमेंटेशन अच्छा ऐसे नहीं मैं पूरा लिखता ही हूं प्रॉपर वे में दो एक दो काम हो जाएंगे कंपाइल भी करा दूंगा सब काम एक साथ यह हेडिंग आपको हर फाइलम के लिए लिखनी है। हर फाइलम के लिए हैबिटेट है क्या है हर फाइलम के लिए लिखना है आपको हर फाइलम की हैबिटेट के बाद है सिमिट्री लिखनी है आपको सिमिट्री क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है हर फाइलम का कंपाइल करना है आपको ठीक है सिमिट्री हो गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया जर्म लेयर हो गए सिलोम हो गई सेगमेंटेशन हो गया बॉडी प्लान हो गया डाइजेशन हो गया रेस्पायरेशन हो गया सर्कुलेशन हो गया एक्सक्रीशन हो गया ठीक है लास्ट में रिप्रोडक्शन मेन वाला लेता तो रिप्रोडक्शन हो गया हर एनिमल के ये पॉइंट आपको याद रखने हैं हर फ़ाइलम के अंदर कम से कम इतनी बातें याद रखनी है ठीक है एक तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी अभी कम सब पूरा याद करा दूंगा ठीक है इसके बाद हर फाइलम के स्पेसिफिक फीचर और हर फाइलम के एग्जांपल एनसीआरटी वाले बस ये तीन चीजें आ जाएंगी ये सारे फीचर्स पहला

एनसीआर ने थोड़ा कॉलर यहां लिख दिया है पर यह ऐसा एक्चुअल में है नहीं कॉलर यहां नहीं होता ये होता है कॉलर ठीक है अब देखो एक, एक चीज स्टार्ट करूंगा ध्यान से देखो ये क्या दिख रहा है ना ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर टंग लाइक -like स्ट्रक्चर इसकी बॉडी को थ्री पार्ट में डिवाइड करोगे ठीक है एक तो प्रोबोसिस नंबर वन प्रोबोसिस नंबर टू कॉलर नंबर थ्री ट्रंक तो प्रोबोसिस कौन सा होगा देखो यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये प्रवोसिस है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये कॉलर है फिर नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये इसका ट्रंक है और लास्ट में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसकी टेल है ऐसे पूरी बॉडी को डिवाइड किया है ठीक है अगर प्रोबोसिस के अंदर बात करता हूं तो प्रोवोसिस में ध्यान रखना यहां पर एक ग्लैंड होती है प्रोवोसिस ग्लैंड ये ऐसे ऐसे भाई पूछेंगे इसका एक्सीडरी सिस्टम क्या है प्रोवोसिस ग्लैंड प्रबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रबोसिस ग्लैंड है ठीक है अच्छा भाई आखिर इसमें ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से उसको हमने हेमिकॉडिटा बोला क्या बात है कारण क्या हेमिकॉडिटा है है का भाई इसके जो कॉलर है ना देखो यहां माउथ भी होता है इसके पास यहां पर माउथ भी होता है इसके ये माउथ होता है ये माउथ है साइड में ये यहां पर एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है माउथ के पास चल में इसके पास माउथ के पास एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ठीक है तो इस नोटोकॉर्ड की वजह से साइंटिस्टों को लगाया तो है ठीक है जबकि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजो होता है ठीक है

स्टोमा के पास नोटोकॉड है सोर्स कॉल्ड स्टोमोकॉड स्टोमोकॉड ओरिजिन क्या होगा स्टोमोकॉड का एक्टो डर्मल जबकि हमारी नोटोकॉड का ओरिजिन क्या होता है मीजो ये कंफ्यूजन था इसीलिए इसको हेमी कॉडेटा बोला पहले हमें लगा भी कॉडेटा है उठा के रख दिया कॉडेटा के अंदर इसको हमने

जेनाइटल विंग्स जेनाइटल विंग्स का मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर सेक्चुअल डायमोरफिज मिलती है यानी डीयू मिलती है डीयू मतलब सेक्चुअल डायमोरफिजम समझ गए यूनिसेक्चुअल सेक्चुअल डायमोरफिजम होती है तो फर्टिलाइजन इसमें इंटरनल होगा या एक्सटर्नल सेक्चुअल होगा या सेक्चुअल ठीक है पहले बोलोगे आप सेक्लोडक्शन होगा सेक्सुअल रिपोर्डक्शन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा लार्वा प्रेजेंट होगा ये सारी पॉइंट मैंने जनरल विंग्स से रिलेटेड लिख दिए ठीक है अच्छा है, गिल्स भी देखने को मिलते हैं गिल्स इसी में गिल्स भी देखने को मिलते हैं रेस्पारेशन के लिए ये भी क्लियर हो गया रेस्पारेशन गिल्स के थ्रू होता है अच्छा ट्रंक दिख रहा है ट्रंक इसमें ये दिख रहा है इसको हिपेटिक सिक्के बोलते हैं हिपैटिक सिक्के डाइजेशन कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट कंप्लीट इसलिए बोला क्योंकि माउथ भी है और यहां पर इसके लास्ट में एनस भी होता है एनस तो माउथ भी एनस भी है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है समझ गए ना मेरी बात ठीक है सर्कुलेशन कैसा होगा सर्कुलेशन ओपन या क्लोज ओपन टाइप यानी सारे सिस्टम भी कंप्लीट हो गए इसकी पूरी बॉडी भी समझ में आ गई पूरी बॉडी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है हमने प्रोबोसिस कॉलर और नीचे वाला पार्ट ट्रंक ट्रंक ठीक है थ्री पार्ट में डिवाइड किया है के अंदर प्रोबोस ग्लैंड मिलते हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी ग्लैंड बोलते हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है पानी में रहता है तो उसका अमोनिया प्रोडक्ट होगा अगर मैं कॉलर की बात करता हूं तो कॉलर में स्टोमोकॉड मिलती है और माउथ मिलता है कॉलर के नीचे वाले पूरे पार्ट को ट्रंक बोलते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें एक तरीके से विंग्स जैसे नजर आते हैं स्ट्रक्चर उनको जेनिटल विंग्स बोलते हैं क्योंकि मेल में अलग होते हैं फीमेल में अलग होते हैं क्योंकि सेक्सुअल डाइमोर्फिजम मिलती है इसलिए डी यू कंडीशन लगती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा, इसी में प्राइम लगे होते हैं सिंपल सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है बताओ क्या चीज रह गई इसकी कुछ बचा सिलियरी फीडर का मतलब होता है बेटा सीलियर लगे होते हैं जो काम की चीजों को जाने देंगे और बेकार की चीजों को जाने नहीं देंगे उसको बाहर निकाल देंगे उसको सिलियरी फिटर बोलते हैं ये बताओ जहां तक समझ में आया पूरा खत्म हो गया इस डायग्राम के अंदर सब कुछ आ गया कुछ भी पूछे वो सब तुम बता दोगे इसमें कुछ भी नहीं बचा कुछ भी नहीं बचा जर्म लेयर अब रट्टा नहीं मारना है आपको ठीक है अब सब ट्रिपलो ब्लास्टिक कंडीशन ही चल रही है ठीक है सब ट्रिपलो ब्लास्टिक ठीक है आपके सिलेबस में एग्जाम्पल दो दे रखे हैं अच्छा ये डायग्राम किसका बना अच्छा मैंने लिखना भूल गया ये डायग्राम किसका बना रखा है ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बताओ बेलनोग्लोस ये डायग्राम बना हुआ है किसका डायग्राम है जरा बताओ डायग्राम किसका है बेलानोगलोस आप समझ रहे हो लिख लो फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो डायग्राम ड्रॉ करो हाँ, बेलनोग्लोस बिल्कुल सही लिख लो कहीं चाहो तो उसको लिख लो यार डायग्राम बना के ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे ये डायग्राम है बेलनोग्लोस का बैलानोग्लोस इसके अलावा एक चीज और चाहो याद रख सकते हो एग्जाम्पल के अंदर सेक्कोग्लोसस ठीक है इसमें दो चीजें आ जाएंगी इसमें एग्जाम्पल दो आएंगे इसके अंदर एक बेलेनोग्लोसस और सेक्कोग्लोसस। ोगलोस एक्ोग सारे पॉइंट लिख लो बैलानोग्लोसोगलोस दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है अब आ जाओ एक करके लेके चलते हैं एग्जाम्पल समझ में गए टंग लाइक होता है टंग वॉर्म बोलते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन ओनली प्रेजेंट इन मेरी वॉटर ठीक है से स्टार्ट करूंगा कंटिन्यू आई करूंगा यहां तक पहले लिख लो उसको कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ इसको नोट कर लो uh. Uh. हो गया ओके okay, डन चलो अब वापस आ जाओ वापस आ जाओ फाइलम हेमी कोडिटा मैंने खत्म कर दिया इसको टंग वॉर्म भी बोलते हैं टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोबोसिस होता है इसके अंदर एग्जाम्पल दो हैं बेलेनोग्लोसस सेक्कोग्लोसस एनसीआरटी ने डायग्राम बेलेनोग्लोसस का दिया है सेक्कोग्लोसस का डायग्राम नहीं दिया अब आ जाओ हाँ कैलाश बेटा स्टार्ट कर रहे हैं पूरा कंपाइल कर रहा हूं मैं सारा पूरा डिट्टो डि, ये ऐसे अपना एक चार्ट बनाना है आपको बड़ा सा ठीक है एक जैसे चार्ट पेपर आता है ना एक व्हाइट कलर का उसकी हाफ शीट काट लो हाफ शीट घर पे अभी नहीं करना काटने के बाद ऊपर सारे फाइलम लिखना है ऊपर कॉडेटा तक ठीक है समझ रहे हो और उसके साइड में ऐसे फीचर्स लिखना फीचर्स फीचर्स ऑफ ऑल फाइलम समझ गए ना मेरी बात ऐसे ऐसे समझो ऐसा चार्ट होगा ऊपर सारे फाइलम आ जाएंगे और यहां पर इन फाइलम के फीचर्स आ जाएंगे इन फाइलम के फीचर्स यहां आ जाएंगे ऑल फाइलम्स एंड फीचर्स इस तरीके का आपको कॉलम बनाना है ठीक है चार्ट पेपर पर अब क्या करना है इन सारे फाइलम्स को इन इस तरीके से डिवाइड कर देना सारे फाइलम्स को इस तरीके से ठीक है कर दो डिवाइड करना है घर पे आराम से अब एक एक करके लिखना चालू करोगे सबका हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे मतलब है कहां रहते हैं उनके रहने की जगह सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉरीफेरा मुझसे पहले बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है हैबिटेट ठीक है मोस्टली मरीन वॉटर बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वॉटर लाइक स्पॉन जेला नंबर टू नंबर टू सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा का हैबिटेट बताओ हैबिटेट चल रहा है भी। हम हैबिटेट पे बात कर रहे हैं हम सबके हैबिटेट को कंपाइल कर रहे हैं सबके हैबिटेट को सबका हैबिटेट बताओ ठीक है, है? क्या कहां रहते हैं इनका हैबिटाट क्या है जगह क्या है ठीक ठीक है, है, ऐसे ही मैं पूछूंगा हाँ स्पॉन्जेला ऐसे ही मैं पूछूंगा टीनोफोरा टीनोफोरा का हैबिटाट क्या है कहां रहते हैं टीनोफोर्स एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर प्रेजेंट ओनली इन मरीन वाटर फ्रेश वाटर में नहीं मिलते टीनोफोरा अच्छा परजीवी समझ गए नहीं है क्योंकि बट मोस्टली पैरासाइट होते हैं प्लेटियलमथीज की बात करूं तो उसमें प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है और राउंड वोम की बात करता हूं तो वो आपके सिलेबस में नहीं है रेपडाइटिस वो भी फ्री लिविंग होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है ठीक है तो ये भी समझ में आ गया फिर एनी लीडा

समझ गंदगी में तो औतोपोर्ट सब जगह सर्वव्यापी है यही बनाता है सेवेंटी परसेंट जितने भी नेम्ड स्पीसीज हैं वो तो हैं समझ रहे हो हाँ ठीक है हाँ फ्री लिविंग बिल्कुल सिसाइल मतलब अटैच में सॉलिड सरफेस ठीक है हाँ फिर इसके बाद हम आगे आते हैं औथोपोटा तो के बाद एनलिडा और तो मोलस्का

यह होमवर्क दे रहा हूं अगला आ जाओ नंबर टू सबकी सिमेट्री बताओ सिमेट्री जरा ही बताओगे सिमेट्री अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा पॉडीफेरा की सिमेट्री मोस्टली पॉडीफेरन से एसिमेट्रिकल होते हैं बट सम सो रेडियल सिमेट्री लाइक ल्यूकोसोलेंनिया ठीक है ए सिमेट्री का एग्जांपल स्पॉन सिलेंटेटा टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री ठीक है अच्छा प्लैटीएल्वनथी से लेकर के कॉर्डेटा बायलैटरल सिमेट्री बस बीच में याद रखना एडल्टाइनो डरमेटा में रेडियल होती है एडल्ट एडल्टाइनो टर्मेटा में रेडियल होती है उसके लार्मा में बाइलेटर होती है ठीक है समझ में आ गया तो सिमिट्री भी हो गई अब सिमिट्री लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा के अंदर पॉरीफेरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जरा बताओ पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था इसलिए वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रही थी ठीक है सिलेंडर के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था और फिर प्लेटी के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था एसटी से से डेटा सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नेक्स्ट आ जाओ जर्म पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं थी ठीक है क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यहां से स्टार्ट ही नहीं हुई थी टीनोफोरा में दो लेयर थी एक्टोडोम और एंडोडोम मिजोडॉम नहीं थी

चलो सेगमेंटेशन सिर्फ तीन ही जगह देखने को मिलता है सेगमेंटेशन 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 देखने देखने को को मिलता मिलता है segmentation. Segmentation है तीन ही जगह बताया एनिलिडा ऑर्थोपोडा और Caudita, हमारे अंदर बॉडी 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 प्लान 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 की बात करते हैं तो सेल एग्रीगेशन टाइप का ट्यूब विद इन ट्यूब उसमें भी उसमें भी ट्रू सिलोम कहां से देखने को मिलती है एनरिडा से तो जो ट्रू सिलोमेट थे यानी ट्रूसिलोम से कॉडेटा उनमें भी ये ट्यूब विद इन ट्यूब दो तरीके से बनता है जैसे प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है तो प्रोटोस्टोम और ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है तो ड्यूटेडा ऑर्थोबोडा मोलस मोलस्का प्रोटोस्टोम है और से सब, के सब है है ठीक

प्लेटी से लेकर एसके एलमंथी से लेके कॉर्डर तक टोटल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके बाद टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होता है इंट्रा नहीं होता अच्छा रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं जरा बताओ पॉरीफेरा जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन करते हैं सिलिंडर टीनोफोरा जनरल बॉडी सरफेस से ठीक है

इखाइनोडरमेटा बॉडी सरफेस से वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेमी कॉर्डेटा गिल्स होते हैं कॉर्डेटा उसमें लंग्स और गिल्स दोनों देखने को मिल जाते हैं चलो सर्कुलेशन सर्कुलेशन जरा बताओ पॉरीफेरा में सर्कुलेशन नहीं होता सीलेंटेटा टीनोफोरा में भी नहीं होता प्लेटी प्लेटी में भी नहीं होता सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हुआ था सर्कुलेशन एनिलिडा से स्टार्ट हुआ था ठीक है

और में तो टोटल होता ही क्लोज है मोस्टली एक आध एक्सेप्शनल केस बताऊंगा आपको स्टार्टिंग में, में एक्सक्रीशन की अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेपरेट नहीं होता टीनोफोरा में भी कोई नहीं होता पहली बार एक्सक्रीटरी सेल बनी थी प्लेटियलमन थी फ्लेम सेल जिसको सोलिनोसाइट या प्रोटोन बोलते हैं प्रोटोन पहली बार

इकाइनोडर्मेटा में एक्सीटरी ऑर्गन नहीं होता ध्यान रखना है आपको इकाइनो के बाद कौन आ जाएगा मोलस का या तो प्रोबोसिस ग्लैंड सॉरी हेमिकोडेटा या तो प्रोबोसिस ग्लैंड थी तो ये भी पूरा हो गया रिप्रोडक्शन कॉमन फंडा याद रखना रिप्रोडक्शन में अभी तक आपने सबके अंदर लार्वा देखने को मिला यानी इनडायरेक्ट तो मोस्टली केस में देखने को मिल ही रहा है ठीक है स्टार्टिंग में ए डोमिनेंट था आगे जाकर के सेक्सुअल डोमिनेंट होता गया स्टार्टिंग में एएमबी कंडीशन मिल रही थी आगे जा करके डीयू डोमिनेंट हो गई अब सब में डीयू मिल रही है और डीयू मिलेगी आगे ठीक है समझ रहे हो और मोस्टली सबके केस में लार्वा देखने को मिल रहा है नहीं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा प्रेजेंट होता है अब बताओ समझ में आया नहीं आया हां एसेक्सुअल टू सेक्सुअल की तरफ बढ़ाए रिप्रोडक्शन क्योंकि नेचर में उसी स्पीशीज की स्टेबिलिटी होगी जो वेरिएशन रखती होगी और वेरिएशन सेक्चुअल की वजह से आता है सेक्चुअल की वजह से वेरिएशन नहीं आता अब बताओ तो सारा दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ सारा का सारा दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ आग लगा दो तो इसी बात पे यार लगनी चाहिए जबरदस्त आग ब्रेन में सेट ब्रेन में सेट बहुत बढ़िया सुपर डुपर स्पेशल फीचर बताता हूं स्पेशल फीचर देखो जबरदस्त आग लग रही है इसका मतलब मैंने ओपन कर दिया बताने के लिए कि आग और दिल है अभी भी समझ रहे हो इतनी कंजूसी में खतरनाक लग रही है आग दिल के साथ ठीक है स्पेशल फीचर में आ जाओ स्पेशल फीचर में पॉरीफेरा में स्पेशल फीचर बताओ वॉटर कैनाल सिस्टम ठीक है ऑस्ट्रिया

सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन ऑफ इंटरनल डिवीजन समझ रहे आपको में। और तो बोलते मोलस्का के अंदर स्पेसिफिक बताता ना बॉडी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है एक तो मस्कुलर फुट ठीक है यहां पर मेंटल होती है ध्यान रखना मेंटल सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट फ्रिजाइल स्किन होती है उसको मॉलिश बोलते हैं तो मॉलिश मोलस्का में मिलती है उसके ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर शेल होती है शेल होती भी है मोस्टली तो होती है एक्सटर्नल पर कहीं कहीं इंटरनल भी होती है कटल फिश के अंदर और कहीं कहीं एबसेंट भी होती है ऑक्टोपस के अंदर ये स्पेसिफिक फीचर है खाइनोडर्मेटा ठीक है सॉरी मोलस्का एक खाइनोडर्मेटा का स्पेसिफिक फीचर क्या है इसमें स्पाइनी स्पाइनी स्किन होती है इसकी डरमा

स्टोमोकॉर्ड हाँ स्टोमोकॉर्ड भी याद रख लो स्टोमा मतलब माउथ कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसको स्टोमोकॉर्ड बोल देंगे नर्वस सिस्टम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है नर्वस सिस्टम इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि नर्व सेल पहली बार डेवलप हुई थी किसके अंदर ऑर्थोपोडा के अंदर, अंदर. सॉरी अह के अंदर हाइड्रा ए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन

सिंगल होती है हॉल होती है और डॉर्सल होती है तो ये मैं कंपाइल करके लिखा उसमें आ जाएगा ये पॉइंट ठीक है यहाँ तक क्लियर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए पूरा रिविजन करा दिया है मैंने सारा सारा का अब अब बात करेंगे, आई बेटा। अब बात करेंगे करेंगे आई बेटा तो फाइलम आपको ऑडेटा ही चलेगा समझ रहे फाइलम बस ऑडेटा है उसमें आप सब फाइलम और क्लासेस पढ़ोगे ठीक है फाइलम क्लासिफिकेशन कराता हूं उसके बाद फिर कोई डाउट रहेगा नहीं आपको ठीक है क्लासिफिकेशन कराने के बाद आपके सारे डाउट एकदम क्लीन हो जाएंगे ठीक है पूरा क्लासिफिकेशन समझने के बाद तो करते हैं स्टार्ट क्लासिफिकेशन यस yes या नो चैट प्राइवेट ओहो लो फैल गया सारा का सारा कोई नहीं पूरा काड़ा ही फैल गया आ, कोई नहीं चलो आ जाओ हाँ बेटा चालू कर रहा हूं मैं फाइलम कॉर्डेटा एनिमल बिलोंग टू फाइलम कोड होती है समझ रहे हो पेयर्ड पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सलेट्स होते हैं इनके पास पोस्ट एनल टेल होती है चार फीचर है इनकी जो मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तो समझ में अच्छे से आएंगे ठीक है अब देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा नर्व कॉर्ड की सबसे पहले मैं बात करूंगा नर्व कॉर्ड की क्वेश्चन आएगा नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के डोर्सल साइड होती है वेंट्रल साइड होती है नर्व कॉर्ड कौर, नोटोकॉर्ड के डोर्सल साइड होती है जबकि नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में होती है ठीक है नीचे वेंट्रल हो गया ऊपर डॉसल हो गया तो पहले मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं तो नर्व कॉर्ड का ओरिजन हमेशा ध्यान रखना है नर्व कॉर्ड है नर्व तो एक्टोडर्मल ओरिजन होगा एक्टोडर्मल ओरिजन है इसका एक्टोडर्मल समझ रहे हो नर्व कॉर्ड का ओरिजन कैसा होगा एक्टोडर्मल अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करूं तो नोटोकॉर्ड का ओरिजन जरा बताओ कैसा होगा ड ये आपकी आगे जा करके इसमें हड्डियों में कन्वर्ट होगी वर्टिवेटा के अंदर तो मीजो डरम होगा मीजो डरमल ओरिजन होगा एक बात समझ में आ गई नर्व कॉर्ड ऊपर होती है नोटोकॉर्ड नीचे होती है हाँ नर्व कॉर्ड की अगर मैं बात करूं ना तो ये नन कॉडेट और कॉडेट दोनों में मिलती है नन कोडेटा एंड कॉडेटा नन कॉडेटा एंड कॉडेटा दोनों के अंदर मिलती है नन कॉडेटा एंड कॉडेटा दोनों के अंदर मिलती है पर ये ओनली और ओनली कॉडेटा में मिलती है नन क्वाडेटा में नहीं होती प्रेजेंट ओनली इन क्वेटा ओनली इन कॉडेटा नन कॉडेटा में नहीं होती है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है अगर हम बात करते हैं किसकी नव कॉर्ड की तो ध्यान रखना पहले नन कॉडेटा की बात करते हैं नन कॉडेटा में कॉकरोच में ध्यान रखो डॉर्सल होती है वेंट्रल वेंट्रल डबल होती है सिंगल डबल हॉल होती है सॉलिड सॉलिड हमारे अंदर हमारे अंदर देखो हमारे अंदर वेंट्रल है डॉर्सल डोरसल डबल या सिंगल सिंगल सॉलिड या हॉलो हॉलो ये फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं ठीक है अगर मैं नोटो कॉर्ड की बात करता हूं नोटो कॉर्ड जो आगे जाकर के वर्टिकल कॉलम बनाएगी आप समझ रहे हो ना मेरी बात जो नर्व कॉर्ड के नीचे होती है सॉलिड होती है इलास्टिक होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है दिख रहा है आपको सॉलिड है इलास्टिक है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है समझ रहे हो ठीक है ओरिजिन क्या होगा इसका ओरिजिन? ओरिजिन मीजो अच्छा लिख तो दिया ऊपर मीजो डरमल सॉलिड होगी लास्टिक है ठीक है सॉलिड होती है इलास्टिक होती है समझ रहे हो ओनली कॉडिट्स के अंदर मिलती है प्रेजेंट बिलो नव कॉट in some chord data in some chordate not a chord convert into vertical column not a chord replaced by vertical column in some chordates not a chord replaced by vertical column इसको हमने नाम दिया कॉर्डेटा सॉरी वर्टीवरेटा बर्टिवरेटा ठीक है अच्छा इसके अलावा और अगला फीचर क्या है पोस्ट एनल टेल सारे कॉडेटा में होती है बैलेंसिंग के लिए फॉर बैलेंसिंग फॉर बैलेंसिंग सभी में होती है आपने मूवी देखी होगी अवतार अवतार मूवी में अच्छे से दिखाने की कोशिश की है इन्होंने अवतार मूवी में ये पेड़ पर पे चढ़ते हैं फिर ये अपनी टेल को आपस में कनेक्ट करते हैं और बताते हैं एक दूसरे को टेल क्यों होती है टेल बैलेंसिंग के लिए होती है ठीक है तो स्टार्टिंग में जो एनिमल थे उनमें ये टेल बैलेंसिंग में हेल्प करती थी फिर आगे जाकर के हमारा ब्रेन का और विकास हुआ ब्रेन का विकास होता चला गया तो हमारे पास ब्रेन की बैलेंसिंग पावर बढ़ गई तो ब्रेन की बैलेंसिंग पावर बढ़ गई यानी हमारा इंटरनल ईयर से लेकर के हर चीज बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करने लगी हमारे बैलेंसिंग ब्रेन के अंदर जो लोब्स थे वो डेवलप हो गए तो हमारे अंदर तेल की जरूरत खत्म हो गई और धीरे धीरे टेल रिड्यूज होना चालू हो गई और टेल बोन में कन्वर्ट हो गई जरासी ठीक है ऐसी टेल हमारी गायब हो गई बैलेंसिंग में हेल्प करती है पोस्टर टेल तो लार्वल स्टेज में स्ट्रक्चर बताता है कि समझ रहे हो सभी के अंदर देखने को मिलता है अब आता है स्लेट्स स्लेट्स का मतलब है गिल्स नहीं है गिल्स की दरारे हैं समझ रहे हो गिल्स की दरारे हैं प्रेजेंट इन हायर कॉर्डेट्स समझ रहे हो हायर कॉर्डेट्स में ओनली इन एम्ब्रिक स्टेज ही देखने को मिलेंगे लोअर में तो मिल जाएंगे पर हायर की बात कर रहा हूं इन हायर क्योंकि कॉर्डेट की बात चल रही है इन हायर कॉर्डेट्स प्रेजेंट ओनली इन स्टेज। हायर कॉर्डेट्स में गिल स्लेट्स, गिल स्लेट्स, परफोरेटेड फैरिंग्स को बोलते हैं ये फेरिंग्स में यहाँ पर छेद होते हैं परफोरेटेड फेरिंग्स पर हमारे अंदर तो नहीं है पर हमारे एम्ब्रियो में होते हैं समझ हमारे एम्ब्रियो में होते हैं समझ गए मेरी बात समझ रहे हो ये बताते हैं कि हम सबका वेल्यूशन एक ही जगह से हुआ है एमब्रे में होते हैं पर सबके अंदर होते हैं ये चार फीचर्स मैंने बताए आपको नर्व कॉर्ड कॉर्ड पोस्टनल टेल और ग्रिलेट्स ये सभी कॉर्डेट्स के फीचर है सभी कॉर्डेट्स के नो no कंफ्यूजन हर कॉर्डेट्स में चार फीचर देखने को मिलते हैं हर कॉडेट्स में समझ में आया नहीं आया हर कॉर्डेट्स में चारों फीचर देखने को मिलते हैं या yes no? अगर तुम्हारी चैट पब्लिक कर दी जाए तो तुम तो छोड़ो तुम तो कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ सबके लिए नहीं बोल रहा तुम्हारे माता पिता चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कुछ बच्चे कुछ मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना वही वही चीजें होती हैं एक दो बच्चे जो आपस में बातें कर रहे हैं मतलब तो चल रही है पहले ऐसे सामने आ जाए ना इनको तो के ढंग से लात और घूसों से धुना जाए चलो आओ उधर ऐसे याद रखो एक बच्चा बोल रहा है सर नर्व कॉर्ड और नोटो कॉर्ड में कंफ्यूजन होता है ऑलवेज ठीक है सुनो जहां पर नर्व आ जाए नर्व नर्व मतलब तंत्र का यानी न्यूरॉन की बात चल रही है उसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं ठीक है वो सिग्नल को ले जाने लाने के लिए होती है वो इन्वर्टिवेट में भी होती है और वर्टिवेट में भी होती है ठीक है पर हमारे अंदर एक खास फीचर है नोटो कॉर्ड नर्व कॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं नोटो कॉर्ड जो नर्व कॉर्ड को सपोर्ट देता है जो अंदर से हॉलो होता है जिसमें सीएसएफ भरा होता है समझ रहे हो जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्यू फ्लूड भरा होता है ये पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है इसको बोलते हैं हम क्या आप बोलोगे नोटोकॉर्ड जो कॉर्डेट्स का फीचर है पर कुछ कॉर्डेट्स आगे जाकर के उसमें नोटोकॉड छोटे छोटे कॉलम में कन्वर्ट हो गई कार्टिलेजनस कॉलम बन गए ठीक है आगे जाकर के और वही कार्टिलेजनस कॉलम और आगे जाकर के बोनी कॉलम में कन्वर्ट हो गए और बन गई रीढ़ की हड्डी यही मीजोडर्मल नोटोकॉड आगे जाकर के रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट होती है हड्डी ना कि नर्व ठीक है उसके अंदर नर्व कॉर्ड उसके अंदर होती है नर्व कॉर्ड जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं नर्व कॉर्ड में न्यूरॉन्स होते हैं और ये नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट और कॉडेट दोनों के अंदर होती है जबकि नोटोकॉर्ड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है समझ रहे हो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है सॉलिड होता है ठीक है फ्लेक्सिबल होता है इलास्टिक होता है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है समझ रहे हो ना मेरी बात इसकी बात कर रहा हूं मैं नोटोकॉड नर्वकॉड की बात नहीं कर रहा ठीक है हमारे अंदर अच्छा सॉलिड लिख दिया है सॉलिड नोटोकॉड कहा हाँ ठीक है ठीक है नोटोकॉड सॉलिड सॉलिड होगी ठीक है नर्व नर्वकॉड हॉलो होती है ना नर्व जो के मिलने से बनती है नोटो नोटो ये हड्डी बनाती है रीढ़ की हड्डी जो बना रही है वो नोटो नोटोकॉड है अच्छा देवेश भाई हैकर है चलो वही हैकर सही वही हैकर भी जो होगा कोई वो होगा तो बच्चा ही मैं तो ये कह रहा हूं जो भी है हैकर है टैकर है जो भी है अगर इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है वो बच्चा है देखो ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप उसको गलत तरीके से दुरुपयोग करोगे तो वो आपके लिए विध्वंसकारी होगा मतलब खतरनाक होगा ठीक है चाहे वो कोई भी हो देवेश हो हो जो भी ठीक है क्योंकि तो मैं मैं इतना इतना जानता हूं मैं इतना जानता हूं कि यार आपकी इंटेंशन क्या है ज्ञान को लेने की अगर आपकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है तो वो चीज आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी इंटेंशन अगर आपकी निगेटिव है तो वो चीज आपके लिए बहुत निगेटिव काम करेगी मतलब ही नहीं इंटेंशन उसी तरीके से वो चीज आपके बॉडी के अंदर एक्सेप्ट होती है आपकी किस किस इंटेंशन से आप उसको ले रहे हो चलो खैर तक किसी को कोई है तो बताओ मुझे है को लास्ट तब क्लासिफिकेशन कल मैं कॉमन कॉर्डेट्स की बात कर रहा हूं सारे कॉर्डेट्स की, सारे की बात कर रहा हूं सभी कॉडेट्स सिमेट्रिकल होते हैं सभी कॉर्डेट ट्रिप्लो होते हैं सभी कॉर्डेट्स में सीलोम होती है यू सिलोम सिस्टम लेवल ऑफ हूं और सभी कॉर्डेट्स में मोस्टली क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम डोमिनेंट होता है सभी कॉर्डेट्स में जो दिल होता है हार्ट होता है वेंट्रल साइड पर होता है और नॉन कॉर्डेट में डॉसल साइड होता है कॉकरोच मत भूलना कॉक्रोच से याद रहेगा ठीक है नोटोकॉर्ड सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एबसेंट होती है कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है बता चुका हूं मैं हॉलो होता है सिंगल होता है जबकि नॉन कॉर्डेट्स में उल्टा होगा वेंट्रल होगा सॉलिड होगा समझना मेरी बात हमारे अंदर हॉलो सॉलिड होगा डबल होगा समझना कॉर्डेट्स में जो फेरिंग्स होते हैं उसके अंदर गिल्सलिट्स होते हैं नन कॉर्डेट्स में स्लिट्स नहीं होते गिल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ गिल्स प्रेजेंट होते हैं स्लिट्स नहीं होते हार्ट यहां वेंट्रल होता है और यहां हार्ट डोर्सल होता है ये अंतर है अब पोस्ट एनल पार्ट -नल, टेल प्रेजेंट होती है बता चुका हूं मैं यहां एबसेंट होती है ये कॉडेट और नॉन कॉडेट के सारे फीचर आपके कवर हो जाते हैं यहां आके आपका कॉर्डेटा के बेसिक फीचर कंप्लीट हो गए अब स्टार्ट करेंगे हम पूरे कॉर्डेटा का प्रॉपर क्लासिफिकेशन जिसमें हम क्लासेस को डिटेल्ड में लेके जाएंगे आगे आने वाले दो लेक्चर के अंदर समझे या नहीं समझे कल सुन लो कल मैं इवोल्यूशन करा रहा हूं जो आज शाम को इवोल्यूशन होना था ठीक है तो आज एक्चुअल में ट्वेल्थ वाली क्लास लगी हुई है गले में इतना इन्फेक्शन है बहुत सारी क्लासें नहीं हो पाएंगी ठीक है अभी बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद काले पीते हुए करने के बाद काम चल रहा है ठीक है तो शाम वाली जो यूट्यूब की क्लास है ना इवोल्यूशन की तो यार कल संडे को मैं रख रहा हूँ उसको शाम को सात बजे तुम फ्री भी हो गया और सारे के सारे आ जाना संडे को कल शाम को सात बजे लाइव के अंदर ठीक है आप समझ रहे हो आना है मैं पूरा ही इवोल्यूशन करा रहा हूँ उसके अंदर क्योंकि इवोल्यूशन का जो मेन पार्ट है जहां बच्चा कंफ्यूज होता है ठीक है जिसमें सारी आती है आती है 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 पूरा आता है, अब तक के के सारे कल करा रहा मैं ठीक तो कल काफी ठीक है थीके? आपके तीन क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और एवोल्यूशन अल्टीमेट है मैं सच कह रहा हूँ ठीक है हाईली कंसेप्चुअल है तो कल वो कंसेप्चुअल वाला पूरा पार्ट है ठीक है तो कल शाम को इसको हम स्टार्ट करेंगे ठीक है लिंक उसका ही जाएगा उसको अपडेट करा रहा हूँ कल शाम को सात बजे के लिए सात से नौ आपको साथ रहना है मेरे सबको ठीक है ठीक है अगर मानते हो थोड़ा बहुत भी ठीक है तो शाम को सात बजे सारे के सारे आ जाना ठीक है? तो है नहीं तो कोई बात ही नहीं ठीक है तो कल इवोल्यूशन लाइव ले रहे हैं शाम को सात बजे ले रहे हैं सारे के सारे आ जाना ठीक है और नेक्स्ट वीक हम लोग इसको एनिमल किंगडम को खत्म करेंगे फिर ट्वेल्थ वाला पोर्शन आपका बचेगा वो स्टार्ट कर देंगे ठीक है यानी दिवाली से पहले ट्वेल्थ वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे ओके हाँ देखो टेस्ट सीरीज ट्रैकिंग आईडी हर बच्चे को तो पॉसिबल होगी कि डिस्पैच हो चुकी ठीक है यहां की टीम तो ट्रैक कर रही है पर आप लोग ट्रैक कैसे कर पाओगे ठीक है देखते हैं क्या बनता है इसका हिसाब किताब ठीक है बट डिस्पैच हो चुकी है सबको टाइमली मिल जाएंगी इतना पता है ठीक है ओके बेटा कल मिलते हैं कल शाम को सात बजे यूट्यूब पर ठीक है संकल्प भारत के ऑफिशियल चैनल पर थैंक यू बेटा बाय ओके टाटा वाई भाई बेटा टाटा वाई बाय ठीक है बाय हां कल शाम को सात बजे मिलते हैं ठीक है, है? सात बजे थोड़ा सा ठीक रहेगा ट्रैकिंग आईडी सबको पॉसिबल नहीं है बेटा भेजना कुछ बच्चों को भेजी जा रही है ठीक है बहुत अच्छी बात है तो जिनको मिल रही है कोई मतलब सबके पास पहुंच जाएंगी टेंशन मत लो ठीक है ओके okay. ठीक है तुम्हारे मैसेज ही दिख रहा था मैं कल शाम को सात बजे रखते हैं ठीक है कल शाम को सात बजे इवोल्यूशन का सारा कंसेप्ट करा दूंगा ह्यूमन इवोल्यूशन तो वहीं याद करा दूंगा मैं और पीवाई वाई सारे करा दूंगा मैं बाय बेटा